देखें शॉर्ट टर्म ना एक मिक्स बैग रहा है बट लॉन्ग टर्म जो है इस डिवैल्यूएशन का पाकिस्तान को फायदा होगा और वो ऐसे होगा कि देखें जनरली लोग देखते हैं कि पिछले 20 साल में कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है लेकिन एक चीज़ जो लोगों को एक डेटा पॉइंट जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि देखें जो जो रेयर की डार सा बात करते हैं ना कि भाई रेयर जो है वो सॉरी रेर की अगर डेफिनेशन रेयर होता है रियल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है कि आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के अगेंस्ट और उनकी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपकी करेंसी कैसी परफॉर्म कर रही है तो आप अपनी करेंसी को जितना वीक रखते हैं उतनी ज़्यादा लोकल कंपनीज़ कंपेरेटिव हो जाती हैं तो हमने 80s में देखा कि भाई 84 से लेकर 91 तक जब पाकिस्तान की करेंसी कॉन्स्टेंटली डी वैल्यू होकर दो सौ से एक तक आ गई तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्राम एट परसेंट ऑफ जी टू तो चौदह ऑफ जी हो गई तो एक सिग्निफिकेंट जंप छः सात साल में इकोनॉमी भी ग्रो हो रही थी और एज अ परसेंटेज ऑफ जी जो है वो एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जा रही थी अच्छा उसके बाद फिर यही हुआ है कि 2002 में पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो ट्रेड बैलेंस हो गया था मतलब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन 2002 थाउजेंड टू और इक्वल और, और उसके बाद से हमने यही देखा है उसके बाद से पिछले 20 साल में देर है बट जनरली पाकिस्तान की करेंसी जो है वो गवर्नमेंट ने या जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की और आपने 2013 से 17 तक देखा कि रेयर जो है वो कुछ 100 से 130 के आसपास आ गया और वो होने की वजह से सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई जो आपकी एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी अब क्या हुआ है अब क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे अर्से के अंदर बहुत ज़्यादा डेट अक्यूमुलेट कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जो है वो डेड हो गई तो अब क्या हुआ है कि अब ये रेयर जो है कोई नाइन एटी एट नाइन्टी वन के आसपास आ गया लास्ट नंबर जो था वो एटी एट था उसके बाद और डीवैल्यूशन हुई है तो अब ये अब करेंसी जो है वो और थोड़ी सी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गई है जब जनरली करेंसी वीक हो जाती है तो लोकल कंपनीज़ कंपेरेटिव हो जाती हैं अगेंस्ट इम्पोर्ट्स और लोकल कंपनीज़ इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपेरेटिव हो जाती हैं और ये सिर्फ मैनुफेक्चरिंग में नहीं होता ये एग्रीकल्चर में भी हो जाता है बहुत सालों के बाद पाकिस्तानी शुगर जो है वो बनी सस्ती है और इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है 2000 से 2008-10 तक जब तक पाकिस्तान की करेंसी एक रीजनेबल लेवल पे थी तो फूड एक्सपोर्ट्स भी बहुत स्पीड से बढ़नी थी जो एक्सपोर्ट्स का डेटा है उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि अच्छा ये एक्चुअली इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया पाकिस्तान की गारमेंट की एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी लास्ट ईयर को चालीस से बढ़ गई और पाकिस्तान की जो फुटवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो आ, कोई पैंतीस परसेंट से बढ़ गई मतलब हम दो साल पहले कोई सोलह मिलियन पेयर्स ऑफ जूते एक्सपोर्ट करते थे इस साल हमने कोई पच्चीस छब्बीस मिलियन पेयर्स ऑफ जूते एक्सपोर्ट किए हैं गारमेंट्स में भी यही हुआ है और अब जैसे जैसे करेंसी और वीक होती जाएगी या, हो गई है ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स और ज्यादा जो है वो कंपेरेटिव हो जाएंगे एक तो देखें ये होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाती है दूसरा ये हो जाता है कि जो लोकल बिजनेसेस होते हैं जो लोकली भी बेच रहे होते हैं वो इंपोर्ट्स के अगेंस्ट ज्यादा कंपेरेटिव हो जाते हैं और वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो आपके डॉलर जो है वो वहां भी बचना शुरू हो जाते हैं तो मल्टीपल इंपेक्ट हैं करेंसी डीवैल्यूएशन के और कंपनीज को जो है वो जनरली फायदा हो जाता है इस वक्त जो ज्यादा तकलीफ हो रही है वो आप समझ रहे हैं एक मेंढक वाले एक्सपेरिमेंट का आपने सुना होगा कि अगर पानी में जो है वो मेंढक है और आहिस्ता 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 पानी को गर्म करें तो मेंढक जो है वो पानी से कूद के बांट नहीं निकलता अभी इस वक्त क्या हुआ है कि क्योंकि आपने बहुत टाइम पानी गर्म किया नहीं तो आपने अचानक से जो है वो एडजस्टमेंट की है और उसकी वजह से वो मेंढक कूद के बाहर आ गया है इस वक्त तो अभी इस वक्त मेजरली हुआ है कि ये जो, ये जो जो एडजस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए थी और आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए थी और आहिस्ता आहिस्ता करेंसी को वीक रखना चाहिए था उसकी जगह पूरी चीज एक साथ एक पिछले एक दो साल में करनी पड़ी उसकी वजह से जो है वो जो अभी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक वजह यह है कि हमने करेंसी बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी दूसरी वजह यह है कि हम हम करेंसी छापते हैं बहुत ज्यादा हर साल दूसरा मसला है है। तो हम रुपए बहुत ज़्यादा छापते हैं और हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते तो और उसकी वजह से फिर होती है पाकिस्तान में ये हो यही ये रहा है कि गवर्नमेंट पैसे बहुत ज्यादा खर्च करती है और गवर्नमेंट का जो है वो रेवेन्यू बहुत कम है आपने बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं वो हैं फ्रॉम एनी टैक्सेशन पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन पे बहुत टाइम तक इनकम पे टैक्स नहीं था सही so, एक आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई सेल्स पे तो टैक्स है हम तो ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि जो जितने पैसे कमाता है उसके ऊपर एक टैक्स की परसेंटेज लगनी चाहिए कि भाई अगर आपने दस लाख रुपए कमाए तो आप को एक टैक्स की परसेंटेज लगनी चाहिए आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो पूरे मुल्क में सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसके लिए आ, एग्री जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो 25 से 30 परसेंट ऑफ जीडीपी है वो हार्डली कुछ कंट्रीब्यूट करता है फिर सर्विसेज वाली बहुत सारी फर्म्स हैं ये ट्रेडर्स जितने हैं या इंपोर्टर्स जितने हैं ये बहुत कम टैक्स पे करते हैं दुकानें बहुत कम टैक्स पे करती हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं जिनको एग्जाम्ट रखा हुआ है टैक्स से जिसकी वजह से गैप आ जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में और फिर उसको फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तान को बोरो करना पड़ता है तो वो 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 जो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसके लिए नोट प्रिंट होता है तो जब नोट प्रिंट होते हैं तो आपकी और मेरी जेब में जो रुपए रखे में उनकी वैल्यू कम हो जाती है तो ये ऐसे ही है जैसे आपके और मेरे पास पैसे रखे हैं और कोई और प्रिंटिंग प्रेस से वही चीज़ छाप रहे हैं हमने मेहनत करके कमाए और कोई और जो है वो नोट जो है एक प्रेस में छापे जा रहे हैं तो ये जहारा एक प्रॉब्लम रहा है तो दो तीन चीज़ें जो है वो सही करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है ओवर द लास्ट सिक्स टू एट मंथ्स या, या या सही करने की कोशिश नहीं की है मजबूरी में हो गई हैं एक तो ये हुआ है कि आपकी करंसी जो है वो वीक हो गई है तो आपकी करेंसी वीक होने से आपकी आप पाकिस्तान में जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा कंपेरेटिव हो गई हैं कंपेयर टू दो साल पहले वो कितनी कंपेटिव थी या दो अप्रैल से लेकर अभी तक आपकी करेंसी काफ़ी जो है वो वीक हो गई है और फर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गई हैं एक जो गारंटी है पाकिस्तान में किसी भी ऑन्टरप्रनोर के लिए या किसी को भी अगर कोई बिजनेस शुरू करना है उसके लिए वो ये है कि देखें पाँच लाख बच्चे हर महीने अट्ठारह साल के हो रहे हैं और वर्क में एंटर हो रहे हैं जिसमें से अगर आप बीस भी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रखें तो आपको पता है तीन लाख लोग हर महीने वर्क में एंटर हो रहे हैं जिसमें से सैडली हमने आदों को जो है वो कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया तो अगर तीन लाख लोग अगर वर्कफोर्स में हर महीने एंटर हो रहे हैं तो एक गारंटी और वो है सस्ती लेबर तो वही यूज़ करके अगर करेंसी एक सही जगह पर हो फेयरली वैल्यूड हो या एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि चाइनीज और वियतनामीज और थाईलैंड ने इन लोगों ने अपनी करेंसी को बहुत अरसे तक जहाँ होनी चाहिए वहां से वीक रखा है नाइन्टी में चाइना में ये हो गया था कि भाई एक बहुत ही वीक लेवल पे वो अपनी करेंसी को ले आए और फिर उनका करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ता रहा और उन्होंने अपनी करेंसी को फिर भी वीक ही रखा आप ब्राज़ील में देखें तो ब्राजील में भी यही हुआ है कि ब्राज़ील में ये 2010 के बाद स्टार्ट हुआ उन्होंने अपनी करेंसी वीक की है और अभी आप उनके अगर महीने के ट्रेड सरप्लस देखें तो वो दस दस बिलियन डॉलर का महीने का ट्रेड सरप्लस करते हैं हम हर महीने दो बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट करते हैं अभी हमने कोई अगर आप पी का कस्टम का डेटा देखें तो आप देखेंगे हमने इस महीने को टू बिलियन डॉलर जो हमने बाहर सामान बेचा है हमने मंगवाया उससे दो दो सवा दो बिलियन डॉलर का ज्यादा है तो हमें ये प्रॉब्लम फिक्स करना है ये प्रॉब्लम फिक्स ऐसे होगा कि आप जब अपनी करंसी को वीक रखेंगे तो लोकल मैनुफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप ज्यादा कंपेरिटिव हो जाएंगे